तो फिर से अगर आप जानना चाहते हैं मजा क्यों आ गया तो देखिए इस वीडियो लास्ट तक। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया कुछ कमाल की टेक न्यूज। और यार मतलब मजा तो मतलब ये न्यूज है हमारे मिस्टर हु इज द बॉस की तरफ से, और मतलब न्यूज बहुत गदर है। अगर आप जानना चाहते हैं ये न्यूज क्या है तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फायर अप द इंट्रो। मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। मतलब क्या बताऊं, इतनी खुशी है ना मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एंड समहाउ इफ पता नहीं ये होगा कि नहीं, बट इफ दिस वीडियो इज वॉचिंग बाय मिस्टर हु इज द बॉस देन इट्स अ वेरी बिग अकम्प्लिशमेंट you are watching this video. But by the way, if somehow, I don't know, in future when I'll become a very big YouTuber, then if you check this video, definitely it's a very 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 big congratulation to you. And you don't know, I am a very big fan of yours and I just want to meet you once in my life. I don't know if it's possible, but it's a dream for me. You can say it's a very big dream. I want to be in front of you, you in front of me. मजा यार। तो अगली न्यूज आती है यार हमारे कोमियो को लेके। तो कोमियो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने हमारे कोमियो S1 और C2 लाइट जो नो दो स्मार्टफोन से वो इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। जो कोमियो S1 लाइट नहीं, कोमियो S1 है वो आपको मिलता 7,499 का, और जो कोमियो का C2 लाइट है वो आपको मिलता है 5,999 का। दोनों ही बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन से, दोनों में आपको 720p डिस्प्ले देखने को मिलती है। MediaTek MT6737 और 3GHz का प्रोसेसर है, और 1.5GB की रैम, 16GB की रोम आपको देखने को मिलती है। 8MP के बैक में और 5MP फ्रंट में कैमरा मिलता है। लॉन्च हो चुके हैं कोमियो के स्मार्टफोन, बजट फ्रेंडली हैं, चाहे तो जाके ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर Xiaomi Redmi Note 5 लॉन्च हो चुका है। 4 तो भूल जाओ यार। तो जो अगली न्यूज आती है वो आती है हमारे Asus के VivoBook 14 को लेकर। तो ये जो लैपटॉप है वो आपको मिल जाता है, अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है बाय करने के लिए फ्लिपकार्ट पर। आपको स्टार्टिंग प्राइस आपकी मिलती है 55,990, लेकिन अंडर वैलेंटाइंस डे स्पेशल ऑफर ये आपको मिल जाएगा 45,000 रुपीज का। और ये जो ऑफर है वो 14 फरवरी से 28 फरवरी यानी पूरे एंड ऑफ फरवरी तक चलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो जाके ले सकते हैं, काफी अच्छे लैपटॉप्स हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप ढूंढ रहे हैं अगर कोई लैपटॉप 50, 45, 50, 55 तक की रेंज में, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। अगली नहीं जाती वो आती है गूगल के जीमेल की तरफ से। तो जीमेल का जो है गो वाला वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है, यानी वो लाइट एप्लीकेशन जो कि आपको स्मार्टफोन जो एंड्रॉइड गो इनिशिएटिव है उसके अंडर आपको पहले एप्लीकेशन देखने को मिलती है। उसमें से एक एप्लीकेशन जीमेल गो आपको देखने को मिलती है, जाके आप ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर एक्चुअली, ऐप स्टोर पर नहीं प्ले स्टोर पर। लेकिन लिमिटेशन ये है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 8.1 ओरियो होना चाहिए। तो अगली न्यूज़ आती है वो आती है नोकिया 1 और नोकिया 7 प्लस को लेकर। तो यहाँ पर जो इसकी कुछ लीक्स आई हैं दोबारा से ट्विटर पे, इवन प्लस नाम के जो एक बहुत ही पॉपुलर लीकर है, उन्होंने इन इमेजेस को लीक किया है, जिसके अकॉर्डिंग नोकिया 7 प्लस जो है वो आपको एंड्रॉयड ओरियो एंड्रॉयड 1 के सपोर्ट के साथ मिलने वाला है। और यहाँ पर मतलब डिज़ाइन बहुत गजब लग रहा है यहाँ पर, मतलब व्हाइट और क्यूप्रिक फिनिशिंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन। और ये जो स्पेसिफिकेशंस लीक हुए उसके अकॉर्डिंग ये जो नोकिया 7 प्लस वो आपको 6 इंच की 8:1 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर इसमें होगा, 4GB की रैम होगी, और डुअल कैमरा आपको पीछे देखने को मिल ही रहे हैं, वर्टिकल डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। वहीं नोकिया 1 की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होने वाला है। अंडर 5,000 इसकी प्राइसिंग होगी, और ये जो है वो भी आपको एंड्रॉइड 1 के सपोर्ट के साथ मिलते हैं, यानी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ वो ही ट्रेडिशनल 16:1 का एक्सपेक्ट रेशियो है इसमें, कोई ज़्यादा खास हाई एंड डिवाइस नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशंस की लीक्स भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है नोकिया 6 को लेकर। तो नोकिया 6 जो अगले हफ्ते आपको इंडिया में लॉन्च मतलब सेल के लिए जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर HMD ग्लोबल ने कन्फर्म कर दिया कि नोकिया 6 को इंडिया में लॉन्च करेंगे।
अब ये मत कहना यार कि Nokia 6 इंडिया में लॉन्च हो चुका है, क्योंकि ये जो लॉन्च होने वाला है वो है 4GB वेरिएंट, जो पहले लॉन्च हुआ था वो 3GB वेरिएंट था, और इंटरनल स्टोरेज में फर्क था, जो इंटरनल स्टोरेज पहले थी वो 32GB थी, लेकिन अब मिलेगी आपको 64GB की स्टोरेज और 4GB रैम। तो ये वाला अगर आप फोन के में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली जाके ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन आने वाले, क्योंकि ये फोन आपको 16:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ मिलता है, कोई मतलब फायदा नहीं है इस फोन को लेने का। थोड़े जल्दी नहीं जाते, वो आती है मोटोरोला के मोटो G6 वाली सीरीज के स्मार्टफोन को, यहाँ पे जो तीन स्मार्टफोन से वो अब चल रहे हैं लीक्स में, जो कि G6, G6 प्लस और G6 प्ले। तो तीनों स्मार्टफोन की जो प्राइस है, जिसके इनकी मतलब जो चिपसेट है, कौन सा प्रोसेसर इनमें होगा, उनके बारे में कुछ लीक्स हैं। तो लीक्स के अकॉर्डिंग जो आपका G6 है मोटोरोला का G6, वो आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 450 प्रोसेसर के साथ, साथ ही जो बैटरी होगी वो 3000 mAh की। वहीं अगर आप बात करें G6 प्लस की, तो वो आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 630 प्रोसेसर के साथ, और इसकी बैटरी वाला इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और G6 प्ले जो है वो आपको मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 430 प्रोसेसर के साथ, सबसे ज़्यादा लो एंड प्रोसेसर यहाँ पर, और लेकिन बैटरी अगर बात करें तो वो आपको 4000 mAh की आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी प्राइसिंग यार जो है G6 की, वो आप मिलता है 15000 में G6 प्लस, वो मिलता है 17000 में, और G6 प्ले है वो आपको मिलता है 12000 में। प्राइसिंग कुछ मतलब एक्सपेक्टेड है, लेकिन ओवर प्राइस है। तो फ्रेंड यार अगली न्यूज़ वो आती है बहुत ही ज़्यादा कमाल की न्यूज़, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो है eDiamonds, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है क्रिप्टो करेंसी, कोई ज़्यादा आम तरीके की क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी आपको मिलती है डायमंड्स की फॉर्म में, जैसे आप बोलते हैं डिजिटल डायमंड्स। आपने ये रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप डायमंड्स वगैरह सेंड कर सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ, खासतौर पर ये वैलेंटाइंस डे के देखते हुए यहाँ पर लॉन्च हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पर डायमंड वगैरह इधर से उधर एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपने लव्ड वन को, अपने प्यारे लोगों को। और मतलब बाकी आपको यहाँ पर जो है एक और फीचर आपको देखने को मिलता है इसमें, बात क्या है एक्चुअली जो है इसमें आपको ब्रेकअप बटन भी मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर सब चीज़ें खत्म भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो फ्रेंड यार जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है युवावी की तरफ से, यार यहाँ कुछ बात ऐसी है कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंट एजेंसीज हैं हमारे इंडिया की, उन्होंने हमें आगाह किया है कि युवावी के फोन्स को यूज़ मत कीजिए, चाइनीज़ फोन्स हैं। बात ये नहीं कि चाइनीज फोन है, बात कुछ ऐसी है कि हमारे चाइना में जो गवर्नमेंट है उसका फुल कंट्रोल होता है पूरे सोशल मीडिया पर, जो सोशल मतलब कुल मिला के जितने भी कंपनीज वगैरह होती हैं उनके डेटाबेस पर उनको फुल एक्सेस होता है। तो यहाँ पर मतलब चाइना की गवर्नमेंट जब चाहे तब उस डेटा को ले सकती है उनसे, और यहाँ पर इसलिए कुछ खतरा बना हुआ है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है एहतियात बरतने की, कि यहाँ पर हो सके तो युवावी के फोन से यूज़ मत कीजिए। बाकी यार बात करें स्पेसिफिकेशन, तो मन नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं हम स्पेसिफिकेशन, मनी जो हम खर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दें आपको क्या लगता है। तो फ्रेंड यार जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है एंड्रॉयड ओरियो 8.1 की तरफ से। तो ये जो बीटा वाला वर्जन है एंड्रॉयड 8.1 का, वो आपको एसेंशियल फोन के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 8.0 नहीं मिला था, उसे डिच कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बग्स थे जिन्हें फिक्स नहीं करा जा सकता था। तो 8.1 पर वो स्विच हो गए, और 8.1 बीटा आपको अपडेट एसेंशियल फोन के लिए अब मिल जाता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इसे यूज़ करते हैं एसेंशियल फोन के या नहीं। बाकी यार दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा गजब है फोन। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है भैया पिछले साल होने वाले रैंसमवेयर अटैक्स की तरफ से। तो यहाँ पर जो है बात कुछ ऐसी है कि यूके यानी अपना यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जो है यहाँ पर रशिया के ऊपर जो है ब्लेम लगा रहे हैं, जो 2017 के पिछले साल के आपको रैंसमवेयर अटैक्स मिले थे, स्पेशली नॉट पेटिया रैंसमवेयर अटैक था वो रशिया के द्वारा कराया गया था, इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। खास तौर पर यहाँ पर रशियन मिलिट्री को टारगेट किया जा रहा है कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व था, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं मिलिट्री ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो फ्रेंड ये थी आज की कुछ कमाल की टेक न्यूज़, आई होप आपको इस न्यूज़ में यार मज़ा आया। अगर आपको कुछ लगा होगा मैंने कुछ अच्छी न्यूज़ आपको दी है, कुछ टेक्नोलॉजी से अपडेटेड आपको लगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, जी लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिससे दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन जिससे दबाने से होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, और डेफिनेटली मिस भी मत किया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की कमाल की टेक न्यूज़ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस रोज चैनल पर अपलोड करता हूँ, यानी दो वीडियोस रोज की चैनल पर अपलोड होती हैं। जाके चेक कीजिए चैनल को मेरे यहाँ पर क्यों गए, आप यहाँ जाइए जल्दी से चेक कीजिए, कंटेंट अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं चैनल को। बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।